हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रियलमी बर्ड्स क्लासिक की। आपके सामने है पैकेज। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये वीडियो की जो वॉइस ओवर हो रहा वो हो रहा रियलमी बर्ड क्लासिक के माइक से, तो आपको और क्या कहते हैं माइक की क्वालिटी मालूम हो जाती है। तो अब बगैर टाइम वेस्ट करें अपन वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ माइक यहाँ पे पैकेज को, और आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग है रियलमी बर्ड्स क्लासिक के बॉक्स की। आप देख सकते हैं येलो कलर का बॉक्स है यहाँ पे। अभी मैं निकाल लेता हूँ इसको कवर में से, और इस तरीके का बॉक्स आपको मिलता यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा येलो कलर में है। ऊपर लिखा है रियलमी बर्ड्स क्लासिक और फोटो है ईयरफोन्स की। राइट साइड में आप देख सकते हैं रियलमी लिखा हुआ है जो कि अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। पीछे की तरफ आपको 14.2 mm वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ड्राइवर्स जो है इसके, और नीचे की तरफ ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ ज़्यादा कुछ नहीं है। लेफ्ट साइड पर रियलमी की ब्रांडिंग है फिर से। तो अब बगैर टाइम वेस्ट के इसको अनबॉक्स करेंगे। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था इसको कैसे अनबॉक्स करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर दिया वीडियो को, इंटो टू की स्पीड पर चला दिया। तो आप देखिए किस तरीके की अनबॉक्सिंग है इसकी। तो मैं बता देता हूँ मेरे को अच्छे दिखे ईयरफोन्स, और ऑनेस्ट रिव्यू जितना हो सका मैं उतना है, तो कंफर्म आपको ऑनेस्ट रिव्यूज मिलने वाला है, और मैं इतना भी बायस्ड होने वाला नहीं हूँ। हालांकि मेरा फेवरेट ब्रांड है रियलमी, मेरा फ़ोन खुद रियलमी का है, पर मैं इसमें ज़्यादा आपको ऑनेस्टी बताने वाला हूँ, तो बायस नहीं होने वाला हूँ मैं इसमें। आप देख सकते मैं अनबॉक्स कर लिया इसको, यहाँ पे कट कर रहा हूँ मैं टेप, और यहाँ पे जो सील है वो कट कर लिया मैं, और यहाँ से आपका बॉक्स बाहर निकलता। और फर्स्ट लुक इज फैबुलस अबाउट दिस वन। यहाँ पे जो ग्लॉस फिनिश आ रही वो ज़बरदस्त दिख रही है ब्लैक कलर में। आई सजेस्ट आप लोग भी ब्लैक कलर में ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, वहाँ से परचेस कर सकते हैं आप लोग। मेरे को अच्छे दिखे ईयरफोन्स फर्स्ट लुक में। और आप देख सकते हैं इसके नीचे वायर रखा हुआ है, आपको बर्ड्स वगैरह नहीं मिलते क्योंकि रबर बर्ड्स का कुछ काम ही नहीं है, हाफ एन ईयर डिज़ाइन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है पुराने रियलमी ईयरफोन्स से। मेरे पास रियलमी 1, रियलमी बर्ड्स 2 सब थे मेरे पास, अब ये बर्ड्स 3 समझ लो आप। नीचे की तरफ थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे आप लोगों को, वारंटी कार्ड वगैरह, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अपन फाइनली आ जाएंगे क्या बोलते हैं अपने ईयरफोन्स पे। यहाँ पे मेरे को ईयरफोन्स की क्वालिटी अच्छी दिखी, आप देख सकते हैं, ये तो वारंटी कार्ड है इसको नहीं, आप देख सकते हैं मेरे को ईयरफोन्स की क्वालिटी अच्छी दिखी प्लास्टिक की, पर उतनी अच्छी नहीं दिखी जितनी आई वॉज एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे आपको एक केबल ऑर्गेनाइजर मिल जाता है, वायर सेरिकेटेड वायर है, तो सेमी ब्रेडेड भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसमें रबर वायर रहता है उसके ऊपर थोड़ी सी कोटिंग रहती ब्रेडेड के जैसी। इट गिव्स यू अ यूनिक फील जब आप टच करते। और अगर अपन बात कर लेंगे ईयरफोन्स की, आई थिंक दे आर गुड, और उन लोगों की जो फिनिश है परफेक्ट है। डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या बोलते हैं ईयरबड्स और जो उसकी स्टिक है वो एक ही पॉइंट पे अटैच होता है, तो थोड़ा सा यूनिक दिखता है आपको। छोटा सा स्पीकर यहाँ पे है और छोटा सा स्पीकर आपको बाहर की साइड है ईयरफोन्स के, तो दो दो स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको आउटपुट के लिए। अगर आप इसका इनलाइन कंट्रोल देखें, इस पर प्लस माइनस नहीं है, वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक ही बटन है जिससे आपको पॉज और क्या बोलते कॉल पिकअप कर सकते हैं। पीछे की तरफ माइक और रियलमी की ब्रांडिंग है। अगर आप और गौर से देखें तो वायर को अच्छी प्रोटेक्शन लेयर दी गई है, दूसरे ऐसे ईयरफोन्स में प्रोटेक्शन लेयर मिलती नहीं। और वायर की बात कर रहा था मैं, सेमी ब्रेड वायर बोल सकते हैं आपको, इस तरीके का रहता। आगे आपको वायर के ऊपर और डिटेल्स और पिन के ऊपर डिटेल्स मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे उठा लिया, प्रोटेक्शन लेयर बहुत अच्छी दिखी मेरे को, प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी का है, लाइट वेट है ये ईयरफोन्स, आप पहने तो आपको पहने ऐसा भी नहीं दिखता। और ये जब हाफ एन ईयर है तो आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, नॉइस कैंसलेशन थोड़ी कम है, और ये उस तरीके का पिन आपको मिल जाता है इसके साथ 3.5 mm जैक, जो कि गोल्ड प्लेटेड नहीं है। जी हाँ, गोल्ड प्लेटेड नहीं है, आई रिपीट, गोल्ड प्लेटेड नहीं है। और सेमी ब्रेडेड वायर की बात करें, मैं सेरिकेट वायर की कुछ इस तरीके का दिखता है, आप लोगों को टेक्सचर दिख रहा होगा कैमरा में आई होप अच्छी तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के ईयरफोन्स दिखते हैं। इसकी वायर की लेंथ है 1.75 meters, विच इज़ प्रिटी गुड, अच्छे ज़्यादा लेंथ मिल जाती है आपको वायर, आप अच्छे तरीके से काम वगैरह कर सकते हैं रख के। वायर जैसा आपको बॉक्स के ऊपर पिक्चर मिलती परफेक्टली आपको ईयरफोन्स वैसे ही मिलते, इतना माइनर चेंज भी आपको नहीं मिलता। तो अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का लुक आपको देते हैं लोग पहनने के बाद। तो पर्सनली मेरे को इन लोगों का बेस उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 14.2 mm ड्राइवर्स, उतना अच्छा बेस नहीं है। और नॉइस कैंसलेशन की बात करें आप लोग, तो उतनी अच्छी नहीं है ऑनेस्टली बोल रहा हूँ,
प्लास्टिक ईयरफोन्स है तो जो आवाज़ आती है उसको कैंसिल करने में तकलीफ होती है, ब्लॉक नहीं कर सकता, रबर रहता तो ब्लॉक करता था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ पूरी रिव्यू के ऊपर, तो वो देख के आप लोग परचेस करेंगे तो आप लोगों को अच्छा आइडिया हो जाएगा, पूरे प्रॉब्लम्स मालूम हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग वो वीडियो देखेंगे। तो अपन मिलेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, तो कैसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को कमेंट करके बता दीजिए कैसे वीडियो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कैसे, बाय।